अरुणाचल प्रदेश के दिबांग डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिया का आखिरी गांव है दामबिन, उसके आगे ये सड़क बनाने का काम चल रहा है अभी। और ये रास्ता जो है ये तिब्बत सीमा तक जाता है। अभी जो ये सड़क है 35 किलोमीटर तक बनाई जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे आसपास जो ये जगह है दामबिन गांव के पास, सिर्फ इसी जगह पे नेटवर्क आता है। तो ये ITBP के एक जवान है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा, और अवधेश जी दिल्ली के ही हैं, द्वारका के। तो ये देखिए इस तरीके से ये मोबाइल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप वो लेटर तो लिख दिया आपने ना? हाँ। एक बार वो बोल दोगे अपनी भाषा में जो बोल रहे थे मुझसे? आप ये बोल दे रहे हैं को मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, बोल देने आपको, बोलो आप। जुम्पिदी ऐसा मीठा नुची नानी ना बच्चे ओको मा हिजे हाँ बा आता बा था हाजी यो प्लीज। इसको आप अपनी भाषा में लिखा आपने? हाँ। एया मिया नुची नामी नाबा ची अको मा हिया। हाँ जी अबाजो। हाँ जी। ये क्या है? आता भी आता हाँ आता भी आता हाँ जी हाँ हाँ हाँ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप बात पूछिए फिर क्या लिखा हुआ है। मैं मैंने सही बोला नहीं बोला? हाँ? सही बोला, मैं सही पढ़ा मैंने? नहीं पढ़ा हुआ मतलब मैं नहीं सीख पाएगा मुझ में। ऐसा मैं चाहनु ची ओको माना ऐसा मैं चाहनु ची नानी ना बच्चे ओको मा ही जे हाँ जे बा आता बा था हाँ जी आ। टाइम लगेगा सीखने में। अच्छे सो अच्छे सो अच्छे सो दामबिन दामबिन। हाँ मेन रोड तो उधर। अच्छा ठीक, थैंक यू। यार लैंडस्केप है भाई यार, ओहो गजब। अच्छे सो अच्छे सो अच्छे सो वो ये सीधा जाएगा? हाँ? अच्छे सो का रास्ता ही है तो का एसजी से वहाँ। अच्छा दामबिन दामबिन। हाँ दामबिन। अच्छा ठीक, थैंक यू। ठीक है। नाम क्या आपका? अते। अते। हाँ। मिश्मी? नहीं मिहू। हाँ मिहू मिहू। हाँ मिहू। हाँ ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। और ईस्टर्न अरुणाचल की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। मतलब कि यहाँ आने के बाद आप भूल जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का मतलब सिर्फ तवांग है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, और ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर पहाड़ों पे कहीं धूप गिर रही है, नीचे नदी बह रही है, ये पुल, ये नदी इस तरफ जा रही है और घाटी, मतलब क्या जगह है। वाकई में ईस्टर्न अरुणाचल बहुत खूबसूरत है, और इधर टूरिस्ट बहुत कम या ना के बराबर आते हैं। अभी जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है अचेशो, लोकल भाषा में इसको बोलते हैं अचेशो, और ऐसे इसको बोलते हैं दामबिन। ये अनिनी से 28-30 किलोमीटर दूर है, और वाकई में मतलब कि अभी मैंने यात्रा शुरू की है, 10 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा आया हूँ मैं, और मतलब गजब खूबसूरत है ये जगह।
हेलो अच्छे शो अच्छे शो दामबिन दामबिन अच्छे शो हाँ अब वो काम करते इधर अच्छा ये रोड का अच्छा जी आ रहे जी आ रही है ग्रिफ 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 नहीं है ग्रिफ नहीं है कुछ और है पता नहीं प्राइवेट कंपनी है अच्छा आप वो कहाँ से हो सब ये लोग सब असम से हम अरुणाचल से अरुणाचल यहीं से मतलब यहीं लोकल यहाँ का लोकल नहीं है ऊपर बोमडिला वेस्ट कमिंग अच्छा वेस्ट कमिंग तो आप लोग आप जो बस घूमने आया इधर राइट के लिए सुंदर जगह है आप लोगों को तो रोज एक ही जैसा लगता होगा अकेला 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 राइट में हुआ गोप्रो लेके फिर मत करो अकेला चलो पार्टनर किसी को लेके चलो पार्टनर नहीं नहीं अकेले ठीक है धन्यवाद ठीक है ए वैली और यहाँ पे इस जगह पे मोबाइल नेटवर्क आता है तो लोग यहाँ पे आके बात करते हैं आसपास के इलाके में तो वो शायद फौज के कोई आदमी हैं वो बात कर रहे हैं ओके ओके दादा तो ऐसे यहाँ पे आसपास जो ये जगह है दामबिन गांव के पास सिर्फ इसी जगह पे नेटवर्क आता है तो ये ITBP के एक जवान है नाम क्या सर आपका मेरा नाम है अवधेश शर्मा अवधेश शर्मा और अवधेश जी दिल्ली के ही हैं द्वारका के तो ये देखिए इस तरीके से ये मोबाइल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इधर लाइफ बहुत कठिन है टफ है बहुत टफ है अरे हमारे लिए बहुत नॉर्मल है अभी अच्छा क्यों हमारे लिए भी यहाँ नॉर्मल है मतलब रहते रहते आदत हो गई आदत हो गई है पर इससे जो आगे का बॉर्डर है वो और भी टफ है किस तरफ का बॉर्डर इधर बरौनी का बरौनी का ना कि और भी कई लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं ये मोबाइल लगा के तो फाइनली मैं पहुंच गया अचेसो डेम्बुएन ये है वो गांव और इसके बाद से कोई बस्ती नहीं है कोई लोग नहीं रहते इसके आगे पता नहीं कितना किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है और केवल फौज रहती है ये आर्मी कैंप है ITBP ITBP और आगे वाला चेयरमैन के आगे वाला आईटी अच्छा इसके आगे 8 किलोमीटर जा सकता है चाय पानी तक उसके बाद नहीं जा सकता जा सकते हैं बहुत आगे अलाउ करते हैं सिविलियन को करते अच्छा तो दामबिन से अभी आगे मैं जा रहा हूँ चाय पानी की तरफ और बीच में ITBP का कैंप था तो मैंने वहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था और फिर से मैंने कैमरा लगा लिया है और इधर कई सारे नाले हैं तो इंडिया के आखिरी गांव के बाद दामबिन के बाद ये चीन बॉर्डर की तरफ सड़क जा रही है और अभी सड़क बनाने का काम चल रहा है ज़ोर शोरों से और यहाँ से बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इधर सड़कें नहीं हैं तो लोगों को पता नहीं है कितना किलोमीटर तो इधर के जो लोग हैं वो दिन के हिसाब से लगाते हैं तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि यहाँ से बॉर्डर पहुँचने में 3 या 4 दिन लगते हैं तो उस हिसाब से अगर 30 किलोमीटर पर डे का भी एवरेज निकाला जाए तो 100 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है और ये पहले इधर सड़कें नहीं थी पिछले साल से सड़कें बननी शुरू हुई हैं तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं खूबसूरत ये है इंडिया के आखिरी गांव के बाद चीन सीमा की तरफ जाती हुई सड़क और यहाँ से 35-40 किलोमीटर आगे तक सड़क बनाने का
काम चल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर तक सड़क बन गई है, मुझे यहाँ लोकल लोगों ने बताया। उसके आगे कोई सड़क नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो उधर पता नहीं कब तक सड़क बनेगी। और इधर मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है, यहाँ पे गेट बंद है, गेट खोल के जाना पड़ेगा, फिर से बंद करना पड़ेगा। गेट खोलता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। चाय पानी का रास्ता ही है ना? अच्छा, ये कहाँ तक सड़क बनी हुई है अभी? कहाँ तक? चिकू पानी। चाय पानी से कितनी दूर है वो? 3-4 किलोमीटर। वहाँ तक जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता? जा सकता हूँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये है वो बड़ा नाला जिसमें पैर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं देख लेता हूँ पहले। ओ भाई साहब, जीप पूरी डूब जा रही है, बाइक निकल जाएगी ना? बाइक भयंकर फिसल रही है, लेकिन अब कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं पानी में उतर आया हूँ तो और अब कुछ पॉसिबल है नहीं, अब इसको पार ही करना पड़ेगा। बाइक किसी तरह निकल गई, बहुत दिक्कत हुई, पूरा जूता गीला हो गया है। अभी कितने आगे तक सड़क बन गई है? और तो ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है? हाँ, सामने ही है। कितना दूर फिर भी? अभी मान लो 5-6 किलोमीटर ऐसा होगा। 5-6 किलोमीटर, ये कटिंग का मुताबिक है। अच्छा, उसके बाद सड़क अभी नहीं बनी है? हाँ, उसके बाद तो नहीं बनी। अच्छा, बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है वहाँ से। अगर एक कैम, ये एक कैम है तो वहाँ में एक कैम है, उसके बाद एक कैम, दो, तीन, चार कैंप और बाकी। ITBP का? हाँ, ITBP का। ITBP, अच्छा, चार कैंप है। ये कैंप तो नहीं पूछा है, बोल रहा है ये सेकेंड वाला कैंप, ये फर्स्ट कैंप है तो। हाँ, सेकेंड कैंप ये वाला है। फर्स्ट कैंप तो दैम्बिन हो गया। नहीं, ये चाय पानी वाला कैंप। अच्छा, रोड बनाने वाला? हाँ, ये चाय पानी कैंप। अच्छा, दैम्बिन से चाय पानी कैंप एक कैंप है तो। ITBP का भी है, ITBP का एक कैंप है। अच्छा, हमें चिकू पानी में एक एम है, दो। अच्छा, पत्थर 1-3 ठीक है,
उसके बाद ब्रूनी। हाँ, ब्रूनी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ब्रूनी तो एक चिकू पानी एक कैम है, उसके बाद ब्रूनी पहुँचना है। मतलब ब्रूनी यहाँ से एक घंटा? मतलब रोड से ना पैदल। पैदल? पैदल तो ये चिकू पानी पहुँचेगा तो काली पहुँचेगा। ब्रूनी तक कभी सड़क नहीं बनी? नहीं 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 बना अभी। ये चिकू पानी भी नहीं पहुंचा है। चिकू पानी भी नहीं पहुंचा है? हाँ, ये सेकेंड वाला केम भी नहीं पहुंचा। अच्छा, ये सड़क बननी कब से शुरू हुई है? इसी साल? ये हाँ इसी साल से शुरू हुआ है। इसी साल मतलब ये 20 से शुरू हुआ है। 20 से पिछले साल? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये तो जल्दी हो जाएगा हो जाने के लिए। अच्छा, काम भी स्पीड हो रहा है। अच्छा, मतलब पूरा ये तिब्बत सीमा तक ले जाएंगे इसको? हाँ हाँ, ब्रूनी तक। हाँ, ब्रूनी तो ब्रूनी ब्रूनी तक जाएगी। हाँ, ब्रूनी के बाद फिर पैदल? हाँ, उसका बाद में करेगा होगा। ब्रूनी से बॉर्डर कितना दूर है? ब्रूनी से बॉर्डर और एक कैम फिर है। अच्छा, पत्थर टू एक कैम है। तो यहाँ से पैदल जाना होता है? ब्रूनी से पैदल जाना होता है? हाँ, ब्रूनी से भी पैदल जाना होता है। पत्थर टू एक कैम है, उसके बाद लास्ट कैम, उसके बाद डायरेक्ट चाइना बॉर्डर है। चाइना बॉर्डर है लास्ट कैम, तो वो इसके नीचे नहीं है। तो वहाँ से अब आर्मी लोग जाके आता है, वो सीमा में जाके वो सब देखा उधर करता है। ठीक है ठीक है, मैं आगे से आता हूँ। आगे जाके देख लीजिए। हाँ, ठीक, नज़ारा थोड़ा देख के आ जाइए। आगे नज़ारा है? हाँ, अरे बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिया का आखिरी गांव है दामबिन, उसके आगे ये सड़क बनाने का काम चल रहा है अभी। और यहां से दामबिन जो है उसके बाद कोई आबादी नहीं रहती, और ये रास्ता जो है ये तिब्बत सीमा तक जाता है। अभी जो ये सड़क है 35 किलोमीटर तक बनाई जाएगी। तो ये जो सड़क है फ़िलहाल अभी ब्रूनी तक बनाने का प्रस्ताव है, और ब्रूनी के आगे कोई सड़क नहीं है। उसके आगे ITBP के जवान आगे भी उधर कहीं पहाड़ों में दूर तैनात हैं, तो वहां तक जाने के लिए सिर्फ पैदल रास्ता है। काफ़ी टफ है इधर जवानों की ज़िंदगी जो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और उस तरफ कहीं तिब्बत बॉर्डर है। तो अभी ये जो सड़क है, मैं दामबिन गाँव से कम 15 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। 10 किलोमीटर या उससे कम ही, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 किलोमीटर और आगे तक सड़क बनी है, उसके आगे सड़क नहीं है। मैं अब इसके आगे और नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इधर सड़कें बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और ये पिछले साल 2020 में ही शुरू हुआ है। अच्छी बात यह है कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम सरकार को इस बात का आभास हुआ कि सड़कें बननी चाहिए। जिस तरीके से चीन ने हर तरफ इंडिया बॉर्डर पर अच्छी अच्छी सड़कें बना ली हैं, अब इधर भी सड़कों को बनाने का काम चल रहा है। लेकिन इधर नज़ारा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया जगह है ये। इधर अभी कोई टूरिस्ट नहीं आता, इक्का दुक्का बाइकर जो हैं वो और पीछे तक आते हैं, यहाँ से 5-7 किलोमीटर पीछे तक, जो चाय पानी बोलते हैं। मैं उसके भी बहुत आगे आ गया हूँ, तो यहाँ तक कोई आता नहीं जो घूमने वाला है। और ये बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि इधर कैसे सड़कों को बनाने का काम चल रहा है, किस रफ्तार से, और इधर की खूबसूरती। तो यहाँ से चलता हूँ मैं फिर अब, और बाकी आपने देखा ये सब कैसा चल रहा है काम, तो आशा है कि आप लोग भी अगले साल इधर एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, ये आ गया बड़ा वाला नाला। एक काम करता हूँ, इस बार देख लेता हूँ किस तरफ से निकालना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, तो उस पर से गाड़ियाँ आराम से पार कर जाती थी। ये होगा मेरे ख्याल से इन लकड़ियों का एक पुल बना हुआ था, एक ढांचा बना हुआ था। नहीं नहीं
ये करते करते अखीका गिर ही गई बाइक। गेम नहीं खेलते ज्यादा, गेम नहीं खेलते। मैंने आप लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया मुझे लगा। ऐसे नहीं होते। अभी 7:30 बज गया है और यहाँ सोने की तैयारी हो रही है और मुझे मेरे लिए काफी मतलब भैया लोग परेशान हुए काफी। गुड नाइट। नहीं